नमस्कार, मैं निकिता शुक्ला, इंडिया हॉट टॉपिक्स में आप सभी का स्वागत है। चलिए बात करते हैं आज की राजनीति से जुड़े बुलेटिन का। यूपी को नए फ्रेट कॉरिडोर की सौगात, खुर्जा भावपुर सेक्शन का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के खुर्जा भावपुर सेक्शन की शुरुआत की। उत्तर प्रदेश में मौजूद ये सेक्शन करीब 5,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। कार्यक्रम के दौरान यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। योगी ने कहा कि सेक्शन की शुरुआत के साथ ही प्रदेश के अलग अलग जिलों में बन रहे प्रोडक्ट को आगे तक पहुंचाया जा सकेगा। यूपी सीएम ने कहा कि पहले मालगाड़ियों की गति सिर्फ 25 KMH थी, जो अब 75 KMH तक पहुंच गई है। इस पूरे कॉरिडोर का 75% भाग यूपी में ही है। यूपी सीएम बोले कि देश की पहली देसी ट्रेन तेजस, सबसे तेज ट्रेन वंदे भारत का संचालन भी यूपी में ही रहा है। अब मानव रहित फाटक का काम तेजी से हो रहा है, जबकि नई लाइनें बिछाई जा रही हैं। आरजेडी का ऑफर, तेजस्वी को सीएम बनाए नीतीश कुमार, हम उनको पीएम कैंडिडेट बनाएंगे। बिहार में नई सरकार बनने के बाद अभी तक कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ है, और इस बीच सत्ताधारी एनडीए में भी सब कुछ ठीक नहीं है। सुगबुगाहट तेजी पकड़ रही है और ज्यादा सीटें जीतने वाली बीजेपी ने भले ही वादे के मुताबिक नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया हो, लेकिन उनकी मौजूदगी पूरी तरह हजम भी होती नजर नहीं आ रही है। इस बीच अरुणाचल में जेडीयू विधायकों का बीजेपी में जाना बिहार की सियासत को और सुलगा गया है। एनडीए के इस खलबली पर विपक्षी पैनी नजर बनाए हुए हैं और जीत की दहलीज तक पहुंचने वाली राजद को संभावनाएं नजर आने लगी हैं। दिलीप घोष बोले, बंगाल को अपनी संपत्ति समझती है ममता बनर्जी, अमर्त्य सेन को भी घेरा। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले बयानबाजी का दौर जारी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने एक बार फिर बंगाल सरकार पर निशाना साधा है। साथ ही बीजेपी नेता ने अमर्त्य सेन को भी निशाने पर लिया है। अमर्त्य सेन द्वारा लव जिहाद कानून पर की गई टिप्पणी को लेकर दिलीप घोष ने पलटवार किया है। बीजेपी नेता ने कहा कि मैं उनकी निजी जिंदगी पर कमेंट नहीं करना चाहता है, ऐसे में वो इस पर टिप्पणी ना करें। बीजेपी नेता ने कहा कि जब बंगाल में कई संकट आए तो वो देश छोड़कर भाग गए थे। बुद्धिजीवी अमर्त्य सेन से जुड़े जमीन विवाद पर भी दिलीप घोष ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष एक दूसरे की मदद करने में जुटे हैं। यूपी के बाद एमपी में भी लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश, शिवराज कैबिनेट ने दी मंजूरी। उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने भी लव जिहाद कानून को पास कर दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में धर्म स्वातंत्र अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई है और अब इसे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के पास मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। वहां से मंजूरी मिलने के बाद फिर यह कानून की शक्ल ले लेगा। पहले मध्य प्रदेश सरकार विधानसभा सत्र में धर्म स्वातंत्र बिल को पारित करने वाली थी, लेकिन कोरोना के चलते विधानसभा सत्र स्थगित हो गया। इसलिए अब सरकार धर्म स्वातंत्र अध्यादेश लाई है और इस अध्यादेश को राज्यपाल से मंजूरी के बाद 6 महीने के अंदर विधानसभा से पारित कराना पड़ेगा। आपको बता दें कि धर्म स्वातंत्र अध्यादेश में 19 प्रावधान है। तमिलनाडु भाजपा प्रमुख बोले, अन्ना द्रमुक से है मजबूत गठबंधन, आगे भी बना रहेगा। तमिलनाडु भाजपा के प्रमुख एल मुरुगन ने सोमवार को कहा कि अन्ना द्रमुक के साथ उनकी पार्टी का गठबंधन जारी है और गठबंधन मजबूत है। एक दिन पहले सत्तारूढ़ दल ने अपने भगवा सहयोगियों से कहा था कि वे राज्य में बड़े भाई की भूमिका में हैं। मुख्यमंत्री और सत्तारूढ़ अन्ना द्रमुक के सह समन्वयक के पलानीस्वामी के साथ आज यहाँ मुलाकात के तुरंत बाद उनकी यह टिप्पणी आई है। बता दें कि पलानीस्वामी ने कोयम्बटूर में पत्रकारों से कहा कि अन्ना द्रमुक भाजपा गठबंधन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने 2021 के विधानसभा चुनावों के लिए मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की भी घोषणा कर दी है और वह खुद मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो रखिए हर खबर पर अपनी नजर इंडिया हॉट टॉपिक्स के साथ और देखते रहे देश भर के लेटेस्ट अपडेट्स। यदि आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।